इसके साथ ही उनके साथ श्री राहुल यादव जी जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ है, मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से डीसी सर का स्वागत करें। डीसी साहब आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री पंजाब ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे फंक्शन की रौनक को बढ़ाया है। डीसी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे फंक्शन की रौनक को बढ़ाया है, आपका हार्दिक स्वागत। फन सत्ता सागरा दी से आई होवे पन जाने कागज ओना उत्ते मात लोग दे किसने दरख्त जिन्ने अल्मस्ता ना हो सकते। स्वागत करें संजीव बैद जी जो वार्ड नंबर 3 से काउंसलर हैं। सर आपका संदेश लग्या मी के कुते ना कुते साड़ी जेड़ी आने वाली पीढ़ी है उसी सानू किताबें तक पहुंचाना पड़ना। वो अगर ज्ञानी होग पढ़ के ताई अगे बढ़े सारा समाज भी अगे बदल सारा देश भी अगे बदल। मैं ये गल आकर सारे की सारे लोगों की और इस समाज के पर्टिकुलर इस समाज के लोगों की कि अपने बच्चे की पढ़ाओ उन्हें की ज्ञानी बनाओ ताकि वो आपू सक्षम हो और समाज अगे बढ़े सारा देश अगे बढ़े। ये आके अपनी गल की विराम देगा और एक बार फिर सारे की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं इस प्रकाश पर्व के नाम महोत्सव की। जय हिंद जय भारत। इस कमेटी के मेंबरान जिन्होंने ये मंदिर बनाया बाबा जी का और मंदिर की वजह से जहां पर संगतें आती हैं सुबह और शाम, जब हम इस चौक से गुजरते हैं तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि यहां आरती होती है सुबह भी और शाम की। और गुरु महाराज के मंदिर में दीप धूप और आरती और एक वातावरण बनता है स्पिरिचुअलिटी का और समाज को जगाने के लिए एक मात्र यही हमारा था, यही एक हमारा सहारा है। साथियों, अगर समाज में ऐसे महान सपूत ना होते तो हमारे समाज की क्या हालत होती। जिनको पढ़ने का हक नहीं, स्कूल जाने का हक नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने का हक नहीं और सरकारी नौकरियां तो उसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन रहनुमाओं ने ऐसा कार्य करके दिखा दिया है हमारे भारत में, पूरी दुनिया में ऐसा डंका बजाया है इस सोई ही कौम को जगाने के लिए। और आज हमारा फर्ज बनता है कि इनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। गोस्वामी गुरु ने बाता जी करो मैं कैमरे के थोड़ी कितना फोन ला के पता नहीं ज्यादा बड़ी लंबी उस वक्त इस धरती पे आए जब एक दौर चल रहा था। सब संत उस दौर में आए 1280 से लेकर 1780 तक एक संतों का दौर रहा। उसमें गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, रिंगोवाल जी, बहुत से महान हस्तियां
इस भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया। उनमें से नाभादास एक बड़ी महान अहमियत शख्सियत रही, बहुत टॉप के संत रहे, बहुत बड़े सेंट रहे। 1537 में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम जानकी दास था और पिताजी का नाम श्री रामदास था। उनके घर कोई पहले संतान नहीं होती थी, लेकिन वो भगवान राम के बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे घर कोई एक बच्चा पैदा हो, तो बड़ी मिन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा नारायण दास। यही नारायण दास बाद में नाभादास बने, और जो नाभादास जिनको नाम दिया उनके गुरु ने दिया। उनके गुरु अगलदास जी, उनका मिलन देखिए कैसे हुआ। जब वो 5 वर्ष के थे, मात्र 5 वर्ष के थे, उनके माँ बाप गुजर गए, दुनिया को छोड़ के चले गए, वो अकेला बच्चा रह गया। एक दिन वो जंगल में बैठे थे, गुरु अगरदास जी और कीलदास जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ इस अकेले यहाँ बच्चे खड़े हो, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं 5 तत्वों का बना हुआ एक इंसान हूं जो मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। इस मंदिर बनाने के लिए उनके साथ उनकी टीम, पंजाब चांद जी, मेहता जी, सागर चांद जी और भी उनके साथी सारे, कोकी जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस मंदिर को बनाया। और जहाँ बहुत फिलिंग करनी पड़ी, इतना पैसा मंदिर के अंदर ही लगा होगा जितना जहाँ फिलिंग के अंदर पैसा लगा होगा, मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज भगवान श्री गुरु रामदास जी की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया, मैं सुन रहा था। XML ध्यानचंद जी ने कहा कि हमें जो हमारे दलित गरीब लोग, ऐसी लोग, इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, इनके पास पैसे नहीं होते थे, गरीब लोग थे। मैं आज यहां कहना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान इनको स्वर्ग में जगह दी भी होगी, दे भी रहे होंगे, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर हमारे देश का संविधान बनाया। आप तो कहते हो नौकरी नहीं मिलती थी, 47 से पहले भी वोट पड़ते थे, लेकिन आप लोगों को वोट पाने का भी अधिकार नहीं था। उस वक्त भी जो वोट डालते थे, चंद शौकार लोग जो होते थे, ऑफिसर लोग होते थे, वो वोट डालते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया और हर आदमी को हक दिया, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई MP हो, चाहे MLA हो, चाहे एक हमारा दत्त भाई, चाहे गरीब आदमी कोई भी हो, इस देश के अंदर सबको बराबर का हिस्सा दिया, सबकी जान माल का रक्षा करने के लिए, रोटी खाना तक उन्होंने उस संविधान में लिखा है कि हर बराबर का हक मिले। तो मैं यही कहता हूँ, बीच में हमारे साथी ने बोला कि जब रविदास जी की कबीर जयंती होती है तो बड़ा उत्साह होता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा बहादुर बरादरी आज आपकी बरादरी की है सबसे ज्यादा, लेकिन मुझे कम लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है। तो अगली बार जो फंक्शन करें, प्रोग्राम करें, इतने अच्छे, इतने ईमानदार और इतने बड़े ऑफिसर आपको अरूप भारती जी मिले हैं, तो इनकी लीडरशिप के अंदर ना कोई पॉलिटिकल है, तो सब बरादरी इकट्ठी होके दाएं बाएं प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता। जहां आपका मंत्र बन गया, जहां आपका क्या सारा सिस्टम बन गया, तो आप सब मिलके, हम भी आपके साथ हैं, सब मिलके एक ही जगह प्रोग्राम करें, ताकि अगली बार इस जयंती के अंदर हम आए, रोड तक लोग भरे हुए हो, कोशिश करें। और मैं लास्ट में यही कहता हूं कि मैं अभी आप शाम को चैनलों में आ जाएगा, जो एक्स काउंसलर हमारे तरसेम चांद जी, हमारे साथ रेखा जी, गोपाल महाजन जी, पूरी टीम हमारी वहां गई थी। जो गरीब लोग आपके, और खास करके मैं पूरे टाउन के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
आपकी बरादरी के तकरीबन हमने 700 और से लेके 800 पक्के मकान 1,66,000 रुपया। तो जी एक हफ्ता पहले हमने गेट बार नंबर 16 के अंदर एक पक्के मकान बना के दिए और बिना क्रॉसिंग के 1,66,000 रुपया। पंद्रहवीं सदी में और 16वीं सदी में बहुत सारे संत आए। ये जो हैं ये 16वीं सदी के संत हैं और इसमें इन्होंने दो संत उस वक्त बड़े हुए, एक गुरु नाभादास जी और एक तुलसीदास गोस्वामी जी। इन दोनों ने एक ने तो रामायण लिखी, रामचरितमानस, और नाभादास जी ने इनको रामानंद जो लीनियज थी उन्होंने इनको कहा कि आप जितने भी सात योग से त्रेता योग, द्वापर युग और कल युग जितने भी संत महान हुए हैं उनकी एक जीवनी लिखो। इन्होंने जितने भी सात योग से लेकर उस वक़्त तक पूरे के पूरे इन्होंने एक भक्तमाल किताब लिखी, उनकी जीवनी लिखी और उसका नाम है भक्तमाल। तो इनके अलावा इन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे कुछ अपने रिलीजियस, और रिलीजन को कहा कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा हिंदुइज्म में, इसको थोड़ी बराबरता करो, नहीं तो आपकी जो मजहब है ये ख़त्म होने की बना पर है। क्योंकि लोग कन्वर्शन्स हो रही थी, कोई दूसरे मज़हब में जा रहा था दूसरे मज़हब में। तो इसी तरह जो गुरु नानक देव जी ने कहा, भक्त कबीर जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने कहा, तो उसी लाइन पर इन्होंने भी यही कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मज़हब में। तो रिफॉर्म्स करने से ही मज़हब जो है बढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि देश कितना बड़ा था पहले, और ईरान से हमारी सीमाएं मिलती थी। इधर जितने भी आसपास के कंट्री हैं हिंदुस्तान के पास, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है, चाहे भूटान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे म्यांमार है, म्यांमार मतलब बर्मा है, तो ये सारे के सारे हिंदुस्तान में ही थे। लेकिन ये सुंगरता बहुत छोटा सा रह गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इसी में से अब जो रह गया है इसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए और नहीं करने देंगे। तो इस वजह से हमारी जो बराबरता है, जो एक दूसरे इन्होंने सिखाया कि एक दूसरे की इज्जत करो मज़हब में, यानी कि एक को नीचा, एक को ऊपर, एक को नीचा, और फिर इससे इत्तेफाक नहीं बनता है। हमारी सोसाइटी तभी बनेगी जब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे से। तो इनका यही संदेश था कि रिफॉर्म्स करो मज़हब को, और प्यार करो और इज्जत दो एक दूसरे को, तभी मज़हब बचेगा।